First. Double kill. तो सबसे पहले हम लोग क्लाइम कर लेते हैं ऑटो कैरेक्टर को एंड देखते हैं इसका एबिलिटी कैसा है एंड गेम में कैसा काम करता है। सबसे हम लोग चेक करते हैं इधर क्या लिखा है। इधर लिखा है कि आफ्टर एलिमिनेटिंग एन एनिमी द पोजीशन ऑफ अदर एनिमीज विथ 25 मीटर ऑफ द एलिमिनेशन स्पॉट विल बी रिवील्ड, इन्फो विल बी शेयर्ड विद टीममेट। तो गाइस इसका मतलब है कि जब तुम मतलब गेम खेलते वक्त तुम्हारे सामने वाले स्क्वाड के कोई भी बंदे को नॉक करके पूरा क्लियर करोगे तो तब जाके उसके मतलब जहाँ पर तुम उस एनिमी को किल किए थे उसके 25 मीटर अराउंड आसपास जितने भी बंदा होगा या उसका उसका टीममेट होगा सॉरी उसका टीममेट होगा मतलब जितने भी टीममेट होगा सबका लोकेशन अपने मतलब खुद का स्क्वाड को दिखेगा स्क्रीन पे। खुद का तो पता नहीं मतलब जब मैंने चेक किया तो मेरे को दिखा। इसका मतलब है तुम्हारा जितना भी टीममेट होगा तुम्हारा सबको दिखेगा उस मतलब सामने वाले स्क्वाड का लोकेशन दिख जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले इसको लेवल अप कर लेते हैं। जब 3 लेवल किया हम लोगों को तो उसके जो मीटर से अराउंड 25 से हो गए 35 3 लेवल तक एंड 6 लेवल तक आसपास 50 के आसपास हो जाएगा। तो बहुत ही मज़ा आएगा एंड गाइस इस कैरेक्टर को मैं यूज़ करके बहुत ही मज़ा आया, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो अभी सबसे पहले इस कैरेक्टर को खेलने का लाइक बना लिया एंड थोड़ा बहुत कैरेक्टर ऐड कर लिया इसके अंदर एंड देखेंगे कैसा चलता है ये वाला कैरेक्टर, कितना ओपी है। मेरे को बहुत ज़्यादा मस्त लगा एकदम सा। तो इसको हुलिया थोड़ा सा बदल लेते हैं, कैरेक्टर अपग्रेड कर दिया एंड हुलिया चलो बदल लिया हम लोगों ने। अभी देखते हैं कि वीडियो बहुत जल्दी जल्दी ला लिया इसलिए मैंने ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो इधर गाइस तो आप लोग देख सकते हो क्योंकि मतलब तुम जब भी किसी को भी किल करोगे एंड उसका पूरा ले लोगे तो साथ साथ में उसका जो लोकेशन है उसका टीममेट का तुमको दिख जाएगा एंड तुम्हारे पूरे स्क्वाड को दिख जाएगा एकदम सा। जैसे कि यार जो मतलब बहुत सारे और भी कैरेक्टर एबिलिटी है कि जिसको खुद ओपन करना मतलब स्किल ऑन करना पड़ता है, लेकिन इधर ऑटोमेटिकली जब भी तुम उसको क्लियर कर दोगे क्लियर करने के साथ साथ ही उसका जो टीममेट का लोकेशन है तुम्हारे पास दिख जाएगा। जैसे कि मैंने इधर 2 किल किए थे, एक को नॉक किया उसके बाद क्लियर किया उसके बाद ही उसका लोकेशन दिख गया उसका दूसरा टीममेट का। तो इधर जैसे कि मैंने सामने वाले प्लेयर को नॉक हेडशॉट से नॉक करके उसको जब क्लियर कर दिया उसके साथ ही साथ में उसका जो दूसरा टीममेट का लोकेशन भी पता चल गया आराम से उसको भी डाउन कर दिया। तो ये कस्टम के लिए बहुत ही ओपी रहने वाला है, एकदम सा ओपी रहने वाला है कस्टम का कस्टम एंड मतलब कि जब तुम रश गेम प्ले कर रहे हो एक क्लियर कर दिया उसके बाद दूसरा के एनिमी जहाँ से भी कहाँ से भी आए उसका लोकेशन आपको तुरंत पता चल जाएगा। तो मेरी तरफ से ये एक नंबर वाला कैरेक्टर होने वाला। इधर जैसे कि इस कैरेक्टर को यूज़ करके मैंने सामने वाले टीममेट के चारों बंदे को मतलब मार दिया था तो बहुत आसानी से एकदम बहुत मेरे को हेल्पफुल लगा था। जब इधर से मैंने जा रहा था तो मेरे को पैरों का आवाज़ आया कि वो पीछे से कोई एक बंदा है जो मेरे को फॉलो कर रहा है। मैं जब देखा तो कोई है नहीं, इसके सीढ़ियों से ऊपर से जा रहा था। तो अभी मैंने इसको वेट कर लिया कि इधर जाके उसको हेडशॉट मारूंगा, लेकिन वो आया ही नहीं। बस बंदा ऊपर से ग्रेनेड करने स्टार्ट करता, मैं उधर से चल पीछे आया एंड उसके बाद उधर एनिमी था उसको फायर किया लेकिन उसको बस कुछ हुआ नहीं। जो पीछे से जब गया मैं तो ये सामने वाला मेरे तरफ आने लग गया। तो जब उसको मैं ऊपर जाते देखा तो उसको नॉक कर देते तो क्लियर कर नहीं पाया, क्लियर कर देते तो उसका जो लोकेशन था उसको मैं दिख जाता, लेकिन इधर जब इसको नॉक किया मैंने उसके साथ साथ ही उसके टीममेट का लोकेशन मेरे को पता चल गया। जब इधर मैं स्लो मोशन में आराम से इसको मारता हूँ हेडशॉट से उसको नॉक किया मैंने, उसके साथ साथ जब उसको मैं क्लियर कर रहा हूँ तो ऊपर स्क्रीन में लेफ्ट में देख सकता हूँ मैप के ऊपर उसका लोकेशन, इसका राइट साइड में और एक भी एनिमी था उसका भी लोकेशन मेरे को शो कर रहा है। मतलब सामने वाला पीछे भी और एक राइट में
एनिमीज है। मैंने उसके बाद मैंने सामने गया एंड जब गया तो सच में मेरे को एनिमी मिल गया एंड उसको भी मैं आराम से नॉक कर दिया, सीधा नॉक कर दिया। जैसे भी इसको मैंने नॉक किया एंड उसको क्लियर करने के बाद मेरे को डबल सामने वाले एनिमीज का किल। लोकेशन भी पता चल गया। सामने जो सीढ़ियों के ऊपर था उसका लोकेशन मेरे को आराम से पता चल गया एंड मैं उसको बहुत ही आसानी से हेडशॉट से नॉक किया मैंने। तो ये हुआ इस ओथो कैरेक्टर का एबिलिटी एंड ओपी वाला एबिलिटी है गाइस, आप लोग भी चेक करो देखो एंड बहुत मज़े से खेलो। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।